हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो देखिए मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में सेमेस्टर वन में एडमिशन लिया है उनका एक सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट्स का एनवायरमेंटल साइंस आज मैं लेकर आया हूँ उसकी आप लोगों के साथ यूनिट नंबर वन एंड यूनिट नंबर टू की वन शॉट रिविजन वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर वन को जिसका नाम हैगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ इंट्रोडक्शन और यूनिट नंबर टू है इको सिस्टम उस कंप्लीट यूनिट को उसके सभी कंसेप्ट को एक वन शॉट रिविजन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो तो देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये यूनिट नंबर वन है और यूनिट नंबर टू है ये बहुत ही वास्ट यूनिट है बहुत सारा कंटेंट है इसमें तो मैं सारा कंटेंट कवर नहीं करूंगा जो जो कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसे शॉर्ट में समझाता कंसेप्ट समझाता आपको चलूंगा बाद में आपको लिखना तो आपको बना के ये जो बिल्कुल ये डिटो है ये तो आपको लिखना नहीं है तो चलिए अब उन सभी चीजों को देखते हैं तो देखिए इसमें हमारे पास पहले है कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट मतलब जो एनवायरमेंट है हमारा वो किन किन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है सबसे पहले आती है हमारे पास लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर क्या होती है तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ प्लेनेट ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पूरे प्लेनेट के लैंड मास को रिप्रेजेंट करती है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं रॉक सॉइल सेडिमेंट एंड मिनरल्स वेरियस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म्स लाइक हाई माउंटेन प्लेट्यूड डीप वैलीज एंड सी बैड मेक द सर्फेस ऑफ लेथोस्फेयर अन ईवन जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ का अर्थ के लैंड का उसे हम कहते हैं लेथोस्फेयर माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट पॉइंट इन लेथोसफियर लेथोस्फेर में सबसे हाइस्ट पॉइंट कौन सा है माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर क्या क्या होता है वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि वेदरिंग इरोजन वॉल्केनिक इरप्शन एंड बायो जियोकेमिकल साइकिल टेक प्लेस इन लेथोस्फेयर ये होता है हमारा लेथोस्फियर फिर सेकेंड नंबर पर आती है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर ये क्या करती है रिप्रेजेंट वाटर मासिज ऑन द प्लेनेट प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पर चाहे सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे गैसज फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्फेयर इट कवर ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ टोटल अर्थ के सरफेस का थ्री फोर्थ पार्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर है ओशियन एंड सी रिप्रेजेंट मैराइन इकोसिस्टमटेंट नाइन सेवन परसेंट ऑफ टोटल वाटर कंटेंट ओशियन और सी मैराइन इको सिस्टम में आते हैं जो कि 97 सेवन परसेंट है टोटल वाटर का द रिमेनिंग थ्री परसेंट वाटर जो हैगा हमारा वो हैगा फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर रिवर लेक्स एंड पॉइंट ठीक है नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा थर्ड एटमोसफेयर तो एटमोसफियर इज थिन शीट ऑफ गैसेज मिक्सचर विच एनवलोप द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर मतलब गैसेज के सभी गैसे मिलकर अर्थ के ऊपर एक एनवेलप की फॉर्म में बना लेती हैं कवर कर लेती हैं अर्थ को गैसेस की फॉर्म में तो वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर द डेंसिटी ऑफ एयर मासेज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज रेपिडली विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड कौन कौन सी गैसेज होती हैं एटमोसफेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी अदर गैसेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लेप्स रेट जब टेम्परेचर चेंज होता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो उसे हम लेप्स रेट कहते हैं बाकी इसमें आपको और कुछ कम करनी है अब देखिए एटमोस्फेयर जो हमारा एक कम कॉम्पोनेंट है एनवायरमेंट का उसके भी कुछ सब कॉम्पोनेंट्स हैं पहला सब कॉम्पोनेंट आता है ट्रोपोस्फेयर तो ये कौन सा होता है जो कि 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर मतलब आठ से सोलह किलोमीटर की रेंज में होता है द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर मास इज फाउंड इन दिस रीजन मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर में आता है ठीक है यहाँ पर अपर लेयर जो होती है ट्रोपोपोज कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जो सबसे नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर होता है वो होता है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फेयर में और सबसे ऊपर जो जहाँ पर खत्म होने वाला होता है ट्रोपोस्फेयर वहाँ टेम्परेचर पहुंच जाता है माइनस के फिफ्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पर ठीक है सेकेंड सब कॉम्पोनेंट है स्टेटोस्फेयर तो स्टार्ट राइजिंग टेम्परेचर इसमें राइज होना इंक्रीज होता है ट्रोपोपोस से कितना पहुँच जाता है माइनस फिफ्टी सिक्स से माइनस टू डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है ये ओजोन लेयरिंग होती है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ओजोन लेयर इन दिस रीजन एब्जॉर्व हार्मफुल यूवी वी रेडिएशन को ऐब्जॉर्व करती है यू वी को इन सभी को एब्जॉर्व करके अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है हाव एवर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग बट अब कुछ टाइम से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है किस वजह से कई सारी गैसेज जैसे कि सी एफ सी एस और इन सारी गैसों की वजह से ओजोन लेयर डिक्रीज होती जा रही है ओजोन इज द प्लेस इन द अपर स्टेटोसफेयर ये कहां पर रहेगा सबसे ऊपर वाले पार्ट में स्टेटोसफेयर के एक होल होता जा रहा है उसे हम ओजोन लेयर होल कहते हैं नेक्स्ट सब पार्ट है मेसोस्वेर। तो मेसोस्फेयर क्या होता है टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग अब जैसी स्टेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में जाते हैं कोई वैसी वहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर देखिए स्टेटोस्फेयर में तो माइनस टू डिग्री पहुंच गया था लेकिन फिर से मैसोस्फेयर में कहां पहुंच जाता है माइनस के 96 सिक्स डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है अपर बाउंड्री में के डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है लेयर की कई सारे केमिकल पाए जाते हैं ओ टू एन ओ विच डू नॉट एब्सोर्व सोलर रेडिएशन जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाते इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर आता है हमारा थर्मोस्फियर ये कौन सा होता है

अब हमारे पास जो चौथा सब कॉम्पोने चौथा कॉम्पोनेंट है एनवायरमेंट का बायोस्फेयर बायोस्फेयर क्या होता है सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है एटमोस्फेर का लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एवायरमेंट वेयर लाइफली एक्सिस्ट इज न्यूरिस्ड एंड फ्लोरिश बाय हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेट ऑफ द नेचर बायोस्फेयर में ही बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेट के बीच में इंटरेक्शन होता है और ये वाला बायोस्फेयर एनवायरमेंट फॉर्म हो जाता है ठीक है आगे देखिए अब अब आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंटल स्टडी का नेचर कैसा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन मतलब ये कई सारे चीजों के साथ इंट्रैक्ट करता है और उन सबके साथ एट एनवायरमेंट फॉर्म करता है तो उसे हम कह देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर एनवायरमेंटल स्टडी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो सभी के साथ एक तरीके से डील करती है चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो बायोटिक कंपोनेंट हो कुछ भी हो ऑल्सो द एन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो एनवायरमेंट है और एनवायरमेंटल इशू है वो कॉम्प्लेक्स एन नेचर में तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड और इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं इसीलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इनको स्टडी करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज मे बी अंडरस्टूड बाय स्मॉल केस सपोज अ डेवलपमेंट एक्टिविटी इस प्रपोज्ड विद इन ये आपका एग्जांपल दे रखा है इसे छोड़िए अब देखिए टू इफेक्टिवली कंडक्ट द ईआईए मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपर्टीज फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड मतलब अब एनवायरमेंट को समझने के लिए हमें किन-किन लोगों की जरूरत पड़ती है तो नंबर वन आते हैं लाइफ साइंस जो होते हैं जूलॉजी या बोटनी से तो टू एस इज द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड एंडिज्म ऑफ गिवन रीजन किसी रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं उसे समझने के लिए हमें लाइफ साइंस और जूलॉजी बोटे वालों की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड आते हैं अर्थ साइंस जिसमें जियोलॉजी जियोग्राफी और जियो केमिस्ट्री आती है तो अर्थ साइंस विल स्टडी द डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल टेरिन जो ये जियोलॉजी के अर्थ साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल नेचर कैसा है वहां की लैंड का किस टाइप की सॉयल है किस टाइप की रॉक्स हैं टेक्टोनिक्स किस टाइप के हैं सेस्मिक एक्टिविटी इन द रीजन कैसी आएंगी किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ हो सकती है थर्ड चाहिए केमिकल साइंस तो इट विल हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मैक्ट्रेस ऑफ एनवायरनमेंट फिर केमिकल साइंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है कि ये समझने के लिए कि उस एरिया में क्या क्या केमिकल प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं वो सारी चीजें समझने के लिए केमिकल साइंस वालों की जरूरत पड़ती है फिर एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत किस लिए पड़ती है टू एस इज द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इन द रीजन किसी रीजन में क्या उसकी हिस्ट्री है क्या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्या ट्राइबल पॉपुलेशन आएगी क्या वहाँ का ट्रेडिशन है ये सारी चीज़ें समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट आगे सोशल साइंस सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स की जरूरत टू एस इज द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉसिबल चेंज द सेम विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उस एरिया की पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए और उन्हें वहाँ से हटाने का पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ें समझने के लिए सोशल साइंस सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है फिर लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है तो एक्सपर्टीज फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सेटिसफाई डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी अब हमें अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है तो उसके लिए हमें लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स वालों की जरूरत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है फिर आता है मैथमेटिक्स कंप्यूटर मॉडलिंग एंड

फिर आगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्या स्कोप है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है तो देखिए सबसे पहले इसकी कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है मतलब इसका स्कोप कहाँ है नंबर वन डिस्कस्ड अबाउट द सब्जेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूमरस स्कूल कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल द स्टूडेंट मेंस्यू दब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड आर लार्ज नंबर ऑफ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन द सब्जेक्ट एंड इंटरेस्टेड प्रोफेशनल में जॉइन द टीचिंग एंड अकेडमिक एंड मेक द नेक्स्ट जनरे अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू एंड देयर टेंजीवल सोल्यूशन अकेडमिक्स में हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी मतलब अकेडमिक्स में लाने के लिए इसलिए पढ़ी ताकि जो यंग्स हैं यंग यूथ हैं कंट्री के उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए क्या क्या एनवायरमेंटल इशू हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को अकेडमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी सेकेंड है कहाँ स्कोप है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल मकैनिजमेंट टू गेट कोस्ट इफेक्टिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इशू एंड चैलेंजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इसको यूज़ करना पड़ा क्योंकि कई सारे एनवायरमेंटल इश्यू हो रहे थे चैलेंजेस आ रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से तो जब ये उन्हें पता होगा कि इस टाइप का कोई तो वर्क करेंगे कि ये ना में तो ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली और एनवायरमेंटल इंजीनियर साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स और कहाँ इन एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत और कहाँ पड़ती है तो इंडस्ट्रीज़ में पड़ती है उन्हें इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को समझने में इन्वायरमेंटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने में इन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की मदद पड़ती है मिनिस्ट्री एंड एजेंसी में तो मिनिस्ट्री ऑफ़ एन्वायरमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट फ्रिक्वेंटली क्रिएट वैकेंसीज फॉर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत कहाँ और पड़ती है मिनिस्ट्रीज में भी पड़ती है कई सारे ऐसी पोस्ट हैंगी जहाँ पर गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के सजेशन की जरूरत पड़ती है तो मिनिस्ट्री में इसकी इसका एक अच्छा स्कोप है फिर आएगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन में कंसल्टेंसी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है ग्रीन जर्नलिज्म मतलब जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं सभी को न्यूज़ एक तरीके से जिससे हम कह सकते हैं न्यूज़ दें एनवायरनमेंट के बारे में तो इसमें भी एक अच्छा स्कोप होता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का फिर एक है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी और कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो जैसे इनका स्कोप है कि अगर कोई नया इन्वायरमेंटल इशू हुआ है तो फिर उसके रिलेटेड लॉ वगैरह लाने के लिए इनको एक्सपर्टीज इन्हीं एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन एन्वायरमेंटलिज्म अब इन्वायरमेंटलिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मतलब कुछ हिस्ट्री हैगी इसकी वो सारी क्या है देखिए तो इन वेस्टर्न वर्ल्ड द फर्स्ट एवर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कब हुआ था पहली बार साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी थी उसमें करा गया था इसका जिक्र नाइनटीन सिक्सटी टू में द बुक रेस्ड द इश्यू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो यूएस में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज हुआ था उसके इंपैक्ट्स को लेकर क्या क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर उस पर यह बुक लिखी गई थी इन 1970 सेवेंटी द बुक लिमिट टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन उसके बाद 1970 में एक बुक थी लिमिट टू ग्रोथ जो कि रोम के एक क्लब ने लिखी थी उसने सबकी अटेंशन की फिर रामाश्वर कन्वेंशन केम इन टू एक्जिस्टेंस रामाश्वर कन्वेंशन आया एग्जिस्टेंस में सेकेंड फेब्ररी नाइनटीन में जिसका एम क्या था कंजर्व वेटलैंड ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को बचाना जैसे देखिए जो सेकेंड फरवरी का डे होता है उसे हम वेटलैंड के वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जानते हैं इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड एन स्टॉक हॉल बिटवीन फाइव जून टू दिस ये एक्स्ट्रा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एवरी ईयर मनाया जाता है फिफ्थ जून को इंडिया स्टार्ट प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था इंडिया ने नाइनटीन में इंडिया वर्ल्ड विटनेस द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल ग्रैस ट्र, गैस ट्रेजिडी हुई थी सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर नाइनटीन एट्टी फोर में उसके बाद चेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर ट्वेंटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन एट्टी सिक्स सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है बाकी और कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है लॉन्ग टर्म आइडिया द एंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना सस्टेनेबिलिटी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पैथवे वाई विच द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कहते हैं तो वो रास्ता जिससे हम सस्टेनेबिलिटी का गोल और पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने का गोल को अचीव कर सके वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस क्या होते हैं सेवनटीन गोल्स हैंगे जो कि टू तक अचीव करने हैं इट वॉज एडॉप्ट किया था इसे यूनाइटेड नेशन ने स्टेट में ऑल द डेवलपमेंट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री हैचीव द गोल बाई ग्लोबल पार्टनरशिप ग्लोबल पार्टनरशिप करके इन गोल्स को अचीव करने के लिए कहा गया था चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो सोशल एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड थ्री पिल्लर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्री पिल्लर्स हैं सोसाइटी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी जो की एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इन तीन पिल्लरों के बारे में बताया गया है पहला है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इट मीनस वी शुड कंज्यूम एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज इन सस्टेनेबल मैनर इवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए द प्रेजेंट रेट ऑफ ओवर एक्सप्लेटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सीड्स मैनिफोल्ड द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम विच इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिगार्डेशन एक्सपॉन्शियल रेट क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में यूज क्योंकि जिस रेट से हम उन्हें खत्म कर रहे हैं और जो उनका रेट है का, बनने का वो उनमें बहुत डिफरेंस हैगा और अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे ही एनवायरमेंटल डिग्राडेशन हो रहा है सेकेंड है सोशल सस्टेनेबिलिटी इसका मतलब क्या इट इज़ अ डिफाइन अ सोसाइटी एज हैविंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन विद जेंडर इक्वलिटी गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग मतलब सोसाइटी का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो डिस्क्राइब किया जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर फिर आएगा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मींस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्सेज इसका मतलब होता है कि सभी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नो वन शुड बी डिब्राइब्ड ऑफ बेसिक नीड्स किसी से भी कोई बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो नहीं छीननी चाहिए बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए इन रिसोर्सेज का तो देखिए यहाँ तक तो ये आपकी यूनिट नंबर वन कंप्लीट हो गई एनवायरमेंटल स्टडी इंट्रोडक्शन अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर टू जो कि है कंसेप्ट ऑफ इको सिस्टम नाम है पूरी यूनिट का ये एक बहुत ही वास्ट यूनिट है तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं वो वो बताता चलूंगा आपको बाकी मैंने आपको दे सारी चीजें रखी हैं आप इसे अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है अब कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊ आप सिर्फ आप इनके कंसेप्ट को समझ लीजिए बाकी आप इन्हें खुद भी कवर कर लेंगे तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है तो इकोसिस्टम होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की इको सिस्टम कहते हैं हम किसे हैं दैट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है एक्सचेंज होता है कुछ चीजों का तो वो सारी चीजें मिलकर एक इकोसिस्टम एक बना लेती हैं विदाउट लिविंग कॉम्पोनेट दस्टेब्लिशमेंट ऑफ इको सिस्टम इज नॉपॉसिबल बिना लिविंग ऑर्गेनिजम के इको सिस्टम नहीं बन सकता न ही बिना नॉन लिविंग थिंग्स के इको सिस्टम बन सकता है बोथ आर टू साइड ऑफ कोइन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मशन बिटवीन दम सराउंडिंग एववायरमेंट इज नॉन एज इको सिस्टम ये सारे इको सिस्टम के बारे में बता रखा है द थीम ऑफ इको सिस्टम इज एनर्जी फ्लो इको सिस्टम में होता क्या है पर्टिकुलरली जो मेन है इसका वो है एनर्जी का फ्लो करवाना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चाहे वो लिविंग से नॉन लिविंग में ली, नॉन लिविंग से लिविंग में कैसे भी ट्रांसफर हो एनर्जी का ट्रांसफर होता है अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में भी हमारे पास थ्री टाइप्स के कैटेगरी है पहले बायोटिक कंपोनेंट होते गए हैं तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैंगी वो सारी बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आती है नंबर आता है, है प्रोड्यूसर मतलब जो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं जो अपना सन की लाइट से और फोटोसिंथेसिक के प्रोसेस से खाना बनाते हैं दूसरे लोगों के लिए उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेकेंड आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स कंज्यूमर कौन होते हैं जो कि उस खाने जो प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर अब कंज्यूमर को हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं और ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स जो हर्बी होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को और फूड को खाते हैं फिर सेकंड आते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ना ईट कर कर मतलब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं हर्बी को ईट करते हैं वो आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में और टर्शरी कंज्यूमर तो में आते हैं हमारे तो मीट ईटर जो तो डायरेक्टली सिर्फ मीट ही खाते हैं बड़े वाले जो तो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर ये आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स में थर्ड टाइप के आते हैं हमारे पास डीकम्पोजर डीकम्पोज के वन होते हैं जो कि नेचर में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रह जाते हैं उन सभी को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं जिससे नेचर का कोई भी हम ना हो उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोज तो डीकम्पोजर्स ये कहां पर डेड और डिकेंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं ये सारे डिकम्पोजर्स ठीक है अब आगे आएगा हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं जितनी भी नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स हैं हमारे पास वो सारी आती है एबायोटिक में जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस इसमें क्या क्या आता है वाटर आ जाता है हमारे पास दो टाइप के एबायोटिक कंपोनेंट है क्लाइमेटिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर क्लाइमेटिक में क्या क्या आते हैं लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेन ये हो गया एबायोटिक कॉम्पोनेट इडेफिक में सॉइल ऑर्गेनिक एंड नन ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइयल और सब्सेंट ये सारी चीजें आती है हमारी इडेफिक में देखिए अब इन सभी को ये थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे ऊपर ऊपर से देखेंगे बाकी अगर आपको रीड करना हो तो आप पूरा रीड कर सकते हैं लाइट क्या है लाइट, है, लाइट है, कि एक एसेंशियल फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोड्यूसर्स के लिए कंज्यूमर के लिए और डीकम्पोजिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उन्हें ईट करते हैं और अल्टीमेटली डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करते हैं विदाउट सनलाइट के बिना फोटो का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइट एज डिफरेंट इम्पैक्ट अलग अलग टाइप की क्वान्टिटी की लाइट और अलग अलग क्वालिटी की लाइट का सभी के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है क्लोरोफिल प्रोडक्शन में हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट प्लांट को डिवाइड करता है जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहाँ पर दूसरे प्लांट होते हैं जहाँ पर कम लाइट होती है वहां दूसरे होते हैं लाइट डिसाइड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट रीजन रीजन को भी डिवाइड कर देता है जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है जहां पर कम लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जहाँ ज्यादा ज्यादा लाइट होगी सन की वहाँ पर गर्मी होगी जहाँ पर कम लाइट होगी वहाँ सर्दी होती है स्टोमेटल मूवमेंट जो लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं उनकी मूवमेंट्स लाइट पे ही डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट ड्यूरेशन की वजह से भी उसने सीजन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पर एनिमल्स के लिए लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है तो मेटाबॉलिज्म जितने भी मेटाबोलिज्म एक्टिविटी होती है एनिमल्स में वो सारी इसी की वजह से होती है विजन बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख, सक, देख सकते पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन क्या होता है जो इस कलर स्किन का कलर डिपेंड होता है होता है वो लाइट पर ही डिपेंड करता है सभी एनिमल्स की रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइट की हेल्प से ही होता है फिर कार्डियन काडिय, सिर सिरकार जो एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं वो भी एक तरीके से लाइट के ही कंडक्ट की वजह से होता है सेकंड आता है हमारा कॉम्पोनेट टेम्परेचर टेम्परेचर क्या करता है सभी को अलग टेम्परेचर जो वहाँ की वार्मनेस या कोल्डनेस बताता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर की प्लांट के लिए तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी टेम्परेचर की हेल्प से होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट सरफेस लेयर आर डिफरेंट मतलब जो ये एनिमल्स को प्लांट्स को डिवाइड कर देता है कि पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर दूसरे प्लांट होते हैं पर थोड़ी कम गर्मी होती है है का प्लांट दूसरा होता है, तो वो भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है और ये भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है की? तो वार्म इसने इसके बेसिस पर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में ठीक है माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से करते हैं एनिमल्स अगर जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां से जिस टाइप के एनिमल्स हैं उन्हें जिस तरीके की चीज की जरूरत होती है जिस तरीके के टेम्परेचर की जरूरत होती है उधर माइग्रेट कर जाते हैं थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा वाटर वाटर के बारे में तो सभी को पता है बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है सभी अबायोटिक फैक्टर इको के उनके लिए वाटर बहुत जरूरी है और बायोटिक फैक्टर के लिए भी उतना ही जरूरी है अमाउंट ऑफ वाटर है मतलब जो पूरे अर्थ पर वाटर रहेगा उसमें नाइनटी सेवन नाइनटी वन परसेंट जो एरिया अर्थ का कवर कर रखा है वो वाटर ने कवर कर रखा है उसमें से हंड्रेड परसेंट जो वाटर रहेगा उसमें से थ्री परसेंट फ्रेश वाटर है नाइनटी सेवन परसेंट आपका जो समुद्र वगैरह में पानी है वो आ जाता है ठीक है बाकी आपका ये पढ़ लीजिएगा ये सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है फिर आते हैं हमारे पास इडेफिक फैक्ट्री इडेफिक फैक्टर में हमारे पास सबसे नंबर वन पे एक कॉम्पोनेट है सॉइल सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है और एनिमल्स को डुवेल करने में हेल्प करती है फर्टिलिटी पर, की, की पर और क्वांटिटी पर पीएच होता है सॉइल का वो सेवन होता है अगर सेवन से कम हो जाता है पीएच तो वो एसिडिक सॉइल हो जाती है सेवन से ज्यादा हो जाता है तो वो एल्केलाइन सॉइल हो जाती है अब आता है हमारे पास नेक्स्ट

तीन टाइप के इकोलॉजिकल होते हैं हमारे पास ऑफ ऑफ नंबर बायोमास और काउंटेड एंड अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव ईच ट्रॉपिक लेवल एलोकेटेड इस इसमें क्या होता है जो पिरामिड है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म उसके अंदर उसे में काउंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे वॉल्यूम बताया जाता है ट्रॉफिक लेवल का ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर हायर होता है कंज्यूमर का कम होता है नंबर ऑफ ईच ईच इंडिविजुअल इन लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनके नंबर डिक्रीज होते जाते हैं आगे देखिए अब आगे आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास तो बायोमास इज टोटल ड्राई वेट ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी एक टाइम पर टोटल ड्राई वेट मतलब एनिमल्स और प्लांट का मिला के कितना टोटल वेट बनता है उसे हम बायोमास कहते हैं लाइक अ पिरामिड ऑफ ऑफ नंबर इट अपराइट अपराइट और इन केस फॉरेस्ट एंड इज तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसमें क्या उन्हें ट्रॉफिक लेवल को उनके मास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है ये कैसे भी हो सकते हैं अपराइट भी हो सकते हैं मतलब सीधे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों टाइप के हो सकते हैं जो फॉरेस्ट और ग्रास लैंड वाले इको सिस्टम होते हैं वो अपराइट होते हैं पॉन्ड इको सिस्टम इन्वर्टेड इकोसिस्टम होते हैं ठीक है फिर आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी एज ऑलरेडी मैं द फूड चेन एंड फूड वेब सिस्टम हैज फॉर एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसफर बिटवीन लिविंग है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड द अमाउंट ऑफ एनर्जी बींग ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टूवर्ड द अपर वन बिकम लेस एंड लेस क्या है जैसा कि पहले भी बताया गया फूड चेन में क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड वेब में भी एनर्जी जो अभी हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है इन दोनों में क्या होती है एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो जो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रॉफिक लेवल बनाए गए हैं उसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो लोअर से अपर तक जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है वैसे, वैसे वैसे वो कम होती जाती है जो द लॉन्गर द पिरामिड इन हाइट द लेसर विल अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स में कम होती जाती है

Grow हो हो जाए तो हम कहते हैं इसमें क्या होता है 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 जो उस area की species है, उसमें change आ जाता है, physical structure चेंज हो जाता है, और इकोसिस्टम स्टेबल एरिया बन जाता है एक तरीके से ठीक है क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल के तो इनिशियल किस की वजह से होता है जब जहां पर वो पहले रहते थे वो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गई हो खत्म हो गई हो तो वो लोग वहां से माइग्रेट करके किसी और रीजन में आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस कॉज क्या है मतलब चेंज इन पॉपुलेशन कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज होने की वजह से किस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन माइग्रेशन इन सारी चीजों की वजह से जब वो दूसरी जगह पे आके रहने लगे तो वो कॉन्टिन्यूस कॉज में आता है फिर स्टेबलाइजिंग कॉज यह किसकी वजह से होता है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड इन सब की वजह से जो कॉज होता है उसे हम कहते हैं मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग कॉज जिकल के नंबर वन आता है प्राइमरी ये कैसे होता है तो इट इज बिगिन विद फ्रॉम द सब्सटेंस वेयर देयर वाज नो लॉन्ग फैक्टर बिफोर मतलब जब इरप्शन वगैरह की वजह से सक्सेशन हो जाए वहाँ पर अब कोई और फैक्टर ना रह जाए तो उसे हम प्रिमेटिव सक्सेजन कहते हैं सेकेंडरी सक्सेजन इट बिगिन फ्रॉम प्रीवियसली सस्टेंड लिविंग मैटर ये कहाँ से होता है जैसे पहले वहाँ पर कोई रहता था लेकिन कुछ टाइम के लिए वहाँ पर क्लाइमेट फैक्टर में चेंज होने की वजह से कुछ वो डैमेज हो गई और दोबारा से अब वहाँ पर स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन फिर आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ ऑरजेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग द डेवलपिंग प्लांट कम्युनिटी ब्रिंग अ चेंज इन कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम बट क्रिएट अ प्रोड्यूसर एंड एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी मतलब जब प्लांट की कम्युनिटी वहाँ की कंडीशन में कुछ चेंज ले आए जिससे अब वो उनके लिए सुटेबल नहीं है और वहाँ पर दूसरी चीज ग्रो कर सकती है तो फिर वो उसे ऑटोजेनिक तो सक्सेशन कहते हैं

जब कोई जगह इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो वहां पर और ऑर्गेनिक और मैटर कम हो तो फिर वहां पर जो सक्सेजन होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक सक्सेजन कहते हैं और हेट्रोट्रॉपिक इसका उल्टा जहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो और इनऑर्गेनिक और कम हो तो फिर वो हैट्रोट्रॉपिक सक्सेजन कहलाता है रेट्रोग्रेसिव सक्सेजन ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल और बायोटिक इंटरफ्रेंस द सक्सेजन गोज बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग जब किसी काम के वजह से किसी रीजन फैक्टर्स की वजह से जो है वो उल्टा हो जाए मतलब ग्रो करने की बजाय कम हो जाए तो उसे हम रिट्रोग्रेसिव सक्सेजन कहते हैं अब बायो साइकल्स तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होती है ये साइकिल्स होती हैं जो पूरे एनवायरनमेंट में होती हैं जिसमें एक चीज कई सारी चीजें जिन जिन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो क्या होता है स्टार्ट होते हैं नेचर से और दोबारा फिर आकर नेचर में ही मिक्स हो जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल इसमें थ्रो न्यूट्रिय साइकिल वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कम्पाउंड एंड डिकम्पोज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर क्या होता है जो न्यूट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं और दोबारा वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं तो ऐसे हमने टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है एटमोस्फेयर एटमोस्फेरिक न्यूट्रिय साइकिल और इडेफिक न्यूट्रिय साइकिल और इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं तो सबसे पहले एटमोस्फेरिक के बारे में देखते हैं एटमोस्फेरिक में नंबर वन आती है वाटर साइकिल वाटर साइकिल में क्या होता है जो समुद्र का पानी है या कोई भी वाटर बॉडी है उसका पानी है वो सनलाइट की वजह से जब इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर क्लाउड बन जाता है और क्लाउड बनने के बाद जब वो दोबारा बरसता है तो फिर वो उन्हीं वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है तो इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल ये सारा आपको यही एक्सप्लेन कर रखा है आप इन्हें पढ़ लीजिएगा मैंने आपको ऐसे ही सिंपली उसमें समझा दिया ठीक है सेकेंड है कि कार्बन साइकिल कार्बन गैस है कि वो नेचर में प्रेजेंट होती है प्लांट इसको इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने के लिए जब फूड बन जाता है फिर उस फूड को कौन ह्यूमन ह्यूमन और और एनिमल्स खाते हैं, खा हैं तो है। नेचर है। में ही मिल जाता है तो ये होती है हमारी पूरी कार्बन साइकिल यही सारा इसमें आपको बता रखा है इसे आप पढ़िएगा आपको यही देखने को मिलेगा फिर आएगा दूसरे टाइप की जो साइकिल आती है हमारी इडेफिक जो से हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है इसमें क्या होता है ये बहुत बड़ी साइकिल है आपको इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमोसफियर में वो बायोटिक कॉम्पोनेंट की वजह से एनिमल्स के बॉडी में जाती है और फिर दोबारा से उसी वेस्ट की जनरेशन की वजह से वो बाहर आ जाती है और फिर वो नेचर में मिक्स हो जाती है तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल सेकेंड फिर आएगी फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में जो कि बायोटिक अबायोटिक में इतना नहीं मिलता जो कि जितना कि फॉस्फोरस बायोटिक कंपोनेंट में मिलता है तो इन अबायोटिक सिस्टम फॉस्फोरस इड अबेंडेंट इन रॉक अबायोटिक में का मिलता है जो रॉक्स के बीच में फंसा हुआ है फॉस्फोरस वैसे मिलता है बट जो बायोटिक हैं उनमें डीएनए के स्ट्रक्चर में ये सारे मिलते हैं तो ये कैसे वैसे ही फॉस्फोरस ह्यूमन की बॉडीज में से बाहर आता है फिर नेचर में मिल जाता है और फिर से नेचर में से ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है ये साइकिल सारी ये फॉस्फोरस साइकिल है ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल्स नहीं है आप इन्हें छोड़ सकते हैं सेम यही सल्फर साइकिल में सल्फर जो प्रेजेंट होता है नेचर में वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है फिर ह्यूमन की बॉडी से दोबारा नेचर में ही आ जाता है यही सारी चीजें दी गई हैं फूड चेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे समझ लीजिएगा द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज बिंग एज फूड चेन जब प्लांट में जो फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होकर ऑर्गेनिज्म में जाए फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा अगले ऑर्गेनिज्म में फिर तीसरे में ऐसे ही चलती रहती है जो चेन फिर उसे हम कहते हैं फूड चेन फूड चेन वर्क कैसे करती है ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट का खाना बनने के बाद उसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खा लेते हैं कंज्यूमर के बाद सारे कंज्यूमर जब खा लेते हैं उसके बाद जब कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसे डिकम्पोजर खा लेते हैं ये जो पूरी चेन बनती है इसे हम फूड चेन कहते हैं फूड वेव क्या होती है जब ये सारी फूड चेन मिलके कई सारी फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बना ले तो उसे हम फिर फूड वेव कह देते हैं यही सारा दिया गया है इसे आप रीड कर लीजिएगा मैं आपको टॉपिक समझाते चल रहा हूँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं ठीक है जब कई सारी फूड चेन्स मिलकर एक ग्रुप बना लें तो उसे फूड वेब कहा जाता है अब आगे आएगा हमारे पास प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फूड बाय प्लांट इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी प्लांट एगे वो कितना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी वेन इट मेजर एट एनी यूनिट ऑफ टाइम इट इज नॉन एज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी और जब हम उसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर लेते हैं तो फिर वो कहलाता है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी तीन टाइप की होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है उसे हम प्राइमरी कैपेबिलिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कैन कैरी आउट दिस प्रोसेस ये प्रोसेस और कौन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने तीन दो टाइप में डिवाइड कर रखा है ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है टोटल रेट ऑफ फोटो सिंथेटिक फोटो सिंथेथिकम की वजह से कितनी फोटो सिंथे बनती है और कितना फूड बनता है वो कहलाता है ग्रोस द अमाउंट ऑफ सी ओ टू फिक्स पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कितनी सीओ टू की जरूरत पड़ेगी एक ग्राम क्लोरोफिल के लिए पर एक घंटे में तो उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसको आपका यूनिट दे रखिए अमाउंट ऑफ सीओ टू पर ग्राम क्लोरोफिल पर आवर ठीक है ऐसी नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है नेट प्रोडक्टिविटी जब हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में थे जो रेस्पिरेशन में एनर्जी लगी है उसे माइनस करते हैं तो हमें मिल जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये रिलेट करती है हेट्रोट्रॉप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल कंज्यूमर लेवल पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फिर आती है नेट प्रोडक्टिविटी इट इज़ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमर कंज्यूमर ने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी और कितनी यूटिलाइज कर ली जितनी स्टोर करके बच गई उनमें लास्ट में वो कहलाती है नेट प्रोडक्टिविटी जो कि उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन और उनके लिए ज़रूरी है वो सारी कहलाती है हमारी नेट प्रोडक्टिविटी की कैटेगरी में आती है फिर आता है होमियो टॉपिक ये क्या होता है द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल चेंज जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो फिर भी आपके अंदर का एनवायरनमेंट सेम बना रहे तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस यही सारा आप इसके बारे में बता रखा है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है होम्योस्टेटिस टेंडेंसी ऑफ नेचुरल इको टू रेजिस्ट चेंज चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज ना होना नेचुरल इको का होम्योस्टेटिस कहलाता है रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा इक्विलियम की स्टेट में रहना आगे आएगा इको सिस्टम के टाइप्स दिए हैं हमारे पास कई सारे टाइप्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम है पहला टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम कहाँ पर होता है अर्थ पर ही प्रेजेंट होता है इसमें क्लाइमेटिक और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होता है प्लांट लाइफ फॉर्म्स का जैसे कि ट्री शब्स ग्रासेस ये सारी चीजें इसमें आती हैं अब इसमें एक टाइप है हमारे पास फॉरेस्ट इको सिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है जिसमें सारी प्लांट की कम्युनिटी एनिमल की कम्युनिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फंक्शनिंग करते हैं वो सारा फॉरेस्ट कहलाता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से जब एक्सपेंशन होता है तो वो फॉरेस्ट इको की कैटेगरी में आ जाता है इसे रीड करना चाहे तो कर सकते हैं बाकी आपको इन्हें अपने तरफ से बना के लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा कंटेंट है आप इन्हें रीड नहीं कर पाएंगे ये आपको टाइप्स बता रखे हैं फॉरेस्ट के कॉनीफेरस फॉरेस्ट ब्रॉड फॉरेस्ट इन्हें आप नाम से ही समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा डेसीडियस फॉरेस्ट है फिर सेकंड टाइप का इकोसिस्टम आता है टुंडारा इकोसिस्टम इसमें क्या आता है फाउंड इन एक्ट्रीम नॉर्थन वेयर स्नो मेल्ट सीजनली ये नॉर्थन रीजन में पाया जाता है जहां पर कभी इस सीजन में स्नो मेल्ट करती है ऑन अदर एंड द एल्पाइन हायर एलिवेशन ऑफ माउंटेन स्पेसिफिकली अब दी ट्री लाइन विंटर इन आर्कटिक टंडारा और लॉन्ग इन्हें आप छोड़िए ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है ये सारा आपको इतना करने की जरूरत नहीं है ग्रास लैंड हैगी आपके पास ग्रास लैंड मतलब जो ग्रेजिंग लैंड होगी उसे ही ग्रास लैंड कह दिया जाता है आगे डेजर्ट इको सिस्टम जो डेजर्ट एरिया जितना भी आता है वो सारे डेजर्ट इको सिस्टम में आता है यहाँ पर कम रेनफॉल होती है टेम्परेचर बहुत हाई होता है ये सारी चीजें आएंगी कौन कौन से एनिमल मिलते हैं इसे आप एक बार थोड़ा ली, कर लीजिएगा ज़्यादा वै वैसे तो मैं कहूँगा इन्हें करने की जरूरत नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आते फिर आता है हमारे पास सेकंड टाइप का इकोसिस्टम सिस्टम एक्वेटिक इको तो ये क्या होता है जितने भी पॉन्ड्स लेक व जितनी भी वाटर बॉडीज आती हैं उन सब के अंदर वो सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आती हैं अब इसके भी कुछ टाइप्स बना दिए गए हैं पोंड इकोसिस्टम जो पॉन्ड्स का इकोसिस्टम होता है मतलब पोंड्स के अंदर जो लाइफ ग्रो कर रही होती है वो पोंड इको में आती है लेक इको जो लेक के अंदर का इको फंक्शनिंग होती है वो लेक इको में स्ट्रीम एंड रिवर का अपना अलग इकोसिस्टम होता है और क्या है एशचरीज एश्चरीज क्या होती हैं जब जहाँ पर रिवर्स जाकर स्ट्रीम रिवर की ओशियन में मिलती है वहां जो एश्चरीज फॉर्म होती है उनका जो इको होता है वो एश्चरीज इको में आता है ओशियन का तो अपना इको सबसे बड़ा इको सिस्टम ही है फिर आता है इको सिस्टम सर्विसेज तो इकोसिस्टम सर्विसेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम नेचर वो सर्विसेज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन को मिलती हैं नेचर से वो कहलाते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज सर्विसिज दीज आर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अर्थ अर्थ की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती हैं चेंज इन इकोसिस्टम सर्विस में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ जो चेंजेस है इको सिस्टम सर्विसेज में वो ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करता है इन्हें हमने चार पार्ट्स पार्ट में डिवाइड कर रखा है पहला आएगा प्रोविजनिंग सर्विसेज इसमें क्या आता है मटेरियल एंड प्रोडक्ट जो कि हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे प्रोविजनिंग सर्विसेज में आते हैं जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप अनी फेज मैराइन फूड स्टॉक ये सारी चीजें प्रोविजनिंग सर्विसेज में आती हैं फिर आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज दीज आर सर्विसेज दैट ह्यूमन ऑट बाय मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इट इंक्लूड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर क्लाइमेटिक रेगुलेशन फ्लड कंट्रोल वो सर्विसेज जो कि ह्यूमन को ऑप्टेन करते हैं किस लिए मतलब करते हैं किस लिए एक बैलेंस बना के रखने के लिए इको सिस्टम में।, में क्या क्या चीजें आती हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एयर को प्योरीफाई करना क्लाइमेट को रेगुलेट करना फ्लड कंट्रोल कार्बन स्टोरेज प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन ये सारी आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज में कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है ह्यूमन लिव्स इन नेचर नेचर एंड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर दे चेंज चेंज इट इट टर्न देम कल्चरल सर्विसेज आ नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल कल्चरल सर्विस में क्या आता है नॉन मटेरियल बेनिफिट होता है मतलब इसमें हमें कोई चीज नहीं मिलती है बट ये हमारे पीपल्स की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें क्या क्या आता है नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर स्पिरिचुअल एनरिचमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिक्रिएशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यू ये सारी चीजें इसमें आती हैं फिर आती है सपोर्टिंग सर्विसेज दीज सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस विच आर इसें फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम विच इन टर्न सस्टेन लाइफ ऑन प्लेनेट वो सर्विसेज जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए वो सारी इसमें आती है इट इंक्लूड प्रोसेस इसमें सारे प्रोसेस आते हैं जो कि जैसे कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स फोटो सिंथेसिक क्रिएशन ऑफ सॉइल वाटर साइकिल ये सारी चीजें सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आती है फिर आता है हमारा इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इकोसिस्टम को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ इको सिस्टम वो इको सिस्टम जैसे हम या तो थोड़ा या पूरे कम्प्लीटली डिगार्ड कर चुके हैं अब उसकी रिकवरी हमें कैसे करनी है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इन सिंपल वर्ड इट मीनस रिस्टोरिंग द इको सिस्टम इको सिस्टम को रिस्टोर करना अब हम इसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं नंबर वन है रिहेबिलेशन इट मीन रिटर्निंग डिगारेड लैंड टू फुली फंक्शनल इको सिस्टम ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट बट अकॉर्डिंग टू प्रायर लैंड यूज मतलब जो लैंड खराब हो चुकी है उसे आप फिर से फंक्शनिंग करना उस पर कुछ भी करके उसे दोबारा से वैसा बनाना वो कहलाता है रिहेबिलेशन दूसरा है रेमिडेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच यूजिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड केमिकल कंटेनमेंट आर क्लीन फ्रॉम पॉल्यूटेड इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन जो इकोसिस्टम सिस्टम पॉल्यूट हो चुका है उसमें से केमिकल कंटेनमेंट को निकालना चाहे फिजिकल मेथड से चाहे बायोलॉजिकल मेथड से वो कहलाता है रिमेडिटेशन

एनवायरमेंट को डिगार्ड होने से रोकें उसे कहते हैं मिट्टीगेशन तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर वन एंड यूनिट नंबर टू कंप्लीट हो जाती है ये दोनों बहुत ही वास्ट यूनिट है इनमें बहुत सारा कंटेंट है आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सिर्फ उतना ही पढ़िएगा जो जो मैंने समझा दिया आप उतना कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स से ईवीएस के पेपर में स्कोर कर सकते हैं भी ये वीडियो आप लोगों के लिए आज की यूज़फुल रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए थैंक यू